की खबर आ रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके की खबर है और ब्लास्ट में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैफे को निशाना बनाया गया है। धमाके की खबर वहां पर है, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके की ये खबर सामने आई है। हलचल मचती हुई साफ दिख रही है और ऐसे में वहां लोग भी आप देख सकते हैं, सब अफरा तफरी का माहौल है और ये कैफे है जिसको निशाना बनाया गया है। हालांकि धमाका कैसे हुआ, किसने क्या कराया गया है या फिर किस तरीके से हुआ, उसके पीछे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है जो बेंगलुरु से सामने आ रही है। दीपक विश्व इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी, धमाका कैसे हुआ? देखिए, अभी इस धमाके की पूरी चीजें जांच की जा रही है, क्योंकि राजाजी नगर जो है जिस इलाके में ये रामेश्वरम कैफे है, काफी बड़ा फूड जॉइंट्स में से एक माना जाता है और यहाँ पर जिस वक्त धमाका हुआ तकरीबन 1 बजे के आसपास की कॉल की गई थी, उसके बाद धमाके के बारे में जानकारी दी गई है। अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है कि 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 जो स्टाफ है वहाँ का वो घायल है, वहीं एक ग्राहक है, लेकिन घायलों की संख्या बढ़ सकती है। और ये धमाका किस चीज से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स का कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो पा रही तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ इसे संदिग्ध धमाका माना जा रहा है। हालांकि कई बार होटल और कैफे रेस्टोरेंट में जो सिलेंडर ब्लास्ट भी होता है, लेकिन अभी तक जो अधिकारियों की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया, तो इससे माना जाता है कि एक बड़ा धमाका है और बेंगलुरु जैसे जगह पर इस धमाके को काफी अहम मानकर जो अधिकारी है और जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। फिलहाल अभी तक ये माना जा सकता है कि 4 लोग इसमें घायल हैं, लेकिन घायलों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। अगली खबर आ रही है झारखंड से।